हरी बोल हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजालुलम्बितभुजौ कनकावतारौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम सिद्ध इमली तला है। इमली आप लोगों ने देखा है इमली तला तैतुल घास ये सिद्ध ये इमली तला है। सिद्ध इमली तला मतलब क्या है? ये वृक्ष को सिद्ध क्यों बताया गया इसका पीछे बहुत बहुत सारे रहस्य है। इसलिए जिस समय कृष्ण जब रास कर रहे थे रास करते करते अभी गोपियों के मन में सौभाग्य मद उदय हुआ है। सौभाग्य मद मतलब है अभी राधा रानी को कोई जरूरत नहीं। हम तो राधा जी के बगैर स्वयं स्वतंत्र नहीं था। राधा रानी कोई जरूरत नहीं। अभी राधा रानी ने देखा इतने में गोपियां तो देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास केवल हमारे पास में लेकिन राधा रानी देख रही थी कृष्ण सबको पास में भी है और कृष्ण मेरे पास में है। इसलिए राधा रानी को हो गया अभिमान और गोपियों को हो गया सौभाग्य मद। अभी कृष्ण ने देखा अभी राधा रानी के मान को मनाना पड़ेगा गोपियों को सौभाग्य मद को दूर करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण रास से कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं और अंतर ध्यान होकर के कृष्ण इतने में कृष्ण ने कहा देखो हम दो दो होकर के श्री श्याम सुंदर को ढूंढते हैं। इतने में श्याम सुंदर के कुंज में गए और सुंदर एक श्यामा सखी रूप धारण कर लिया। श्यामा सखी रूप धारण करते हुए उन्होंने राधा जी के हाथ को पकड़ लिए और राधा रानी को लेकर के कृष्ण कुंज में चले गए और जा करके बड़े सुंदर पुष्पों के द्वारा माला बनाया और राधा रानी को श्रृंगार की। आज हम श्रृंगार भट में जाएंगे। जब वहां पर राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की अभी राधा रानी भी देख रही है मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया क्योंकि ये गोपियां और कोई नहीं ये सबके सब मेरी कायम व्यवहार है। राधा जी ही कृष्ण सेवा के लिए वो अनंत रूप श्री राधा रानी ने धारण किए। अभी मैं अकेले कृष्ण को लेकर के यहाँ आनंद ले रही हूँ और गोपियां तो कृष्ण विरह में सबके सब विरहित होकर के ढूंढ रहे श्याम सुंदर कहाँ श्याम सुंदर कहाँ। इतने में गोपियां जब पास में आई कृष्ण बोले चलो यहाँ से जल्दी हम चले जाते हैं। इतने में राधा रानी जान बुझ करके बोली है राधा रानी सोच रही हैं अगर थोड़ा मैं माने में बच जाओ और श्याम सुंदर मेरे को मनाने लग जाए हो सकता है गोपियां आ जाएगी फिर तो यहाँ रास करेगी। इतने में राधा रानी बोली श्याम सुंदर मैं नहीं चल सकती हूँ जैसे आप रासों से मेरे को उठा करके ले आए थे आप वैसे ले जाओ व्यक्ति कंधे में बैठोगे बोले बैठाओ। इतने में राधा रानी जब बैठने के लिए गई श्याम सुंदर वहां से अंदर ध्यान हुई और आकर कहाँ बैठे कभी इमली वृक्षों को कृष्ण इसी वृक्षों को नीचे कृष्ण बैठे हुए इसी वृक्षों को नीचे। अभी प्रश्न है फिर कृष्ण इसी वृक्षों को नीचे क्यों बैठे और भी बहुत सारे वृक्ष था इसी वृक्षों को नीचे बैठे क्यों। इसका कारण बताए जिस समय कृष्ण गिरिराज
गोवर्धन को धारण किया। सारा दुनिया में 7 साल का बालक 7 क्रोश और 7 दिन तक एक कनिष्ठ अंगुल को परमन ने गिरिराज को उठा लिया तो पूरा ब्रज मंडल में कृष्ण की जय जयकार हो रहा था। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी ये आवाज जब राधा रानी ने सुना, इतने में श्री पौर्णमासी को पास में जाती है। बोले पौर्णमासी जी, ये क्या बात है, सारा दुनिया में कृष्ण की जय जयकार हो रहा है, सबके सब कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सारा दुनिया जानते हैं मैं राधा रानी, लेकिन कृष्ण को कोई राजा नहीं कहते। कृष्ण को कोई राजा कहते हैं क्या? कोई राजा कहते हैं नहीं, इसलिए राधा जी को क्या कहते हैं? राधा रानी। मैं यहाँ का रानी हूँ, इसलिए वृंदावन में आओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं यहाँ पर? जोर से बोला, और जोर से, इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। ये क्या मैं सुन रहा हूँ कृष्ण की जय जयकार? बोले ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए फिर तो गोपियों ने क्या किया, बोले नहीं, कृष्ण को पर हम आक्रमण करके कृष्ण को बंदी बनाएंगे। अभी उन्होंने कृष्ण को आक्रमण करके बंदी बनाए और श्याम सुंदर के द्वारा उन्होंने सम्मानित किया राधा जी को। कहते इसी वृक्ष को नीचे श्री श्याम सुंदर राधा रानी को बैठा करके राधा रानी को उन्होंने महा महा अभिषिक्त किया और उन्होंने पूरा ब्रज मंडल में इन्होंने घोषित किया, आज से वृंदावन का जो अधीश्वरी कौन है? इसलिए राधा रानी, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी की रानी, इसलिए वृंदावनेश्वरी राधेश्वरी सबके सब इनको ईश्वरी कहते राधा रानी को। इसलिए इसी वृक्ष को नीचे श्याम सुंदर आकर के इसी वृक्ष को नीचे बैठे और बैठ करके श्याम सुंदर अभी कृष्ण की चिंता करते हैं, चिंता जिसको हमारे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं, राधा चिंता निवेशे न जस्य कातिर विलोकिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा अलिखित विग्रह। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव को बताते हैं, इसलिए किसी वृक्ष को नीचे बैठ करके कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 इतना उन्होंने चिंता में डूब गए और राधा रानी की मंत्र जप करते करते इतने डूब गए और उन्होंने अपना श्याम रंग को भूल करके श्याम सुंदर अभी श्री राधा रानी के रंग में आ गए। अभी गोपियां ढूंढ रहे हैं श्याम सुंदर गए का। जब राधा रानी को सांस में सखियां यहीं पर आए, इन्होंने श्याम सुंदर के यहीं पर देखा, बोले मयूर मुकुट ठीक है लेकिन केवल इनका जो रंग है, केवल इनका रंग बदला हुआ है। इतने में राधा रानी समझ गई श्याम सुंदर मेरी चिंतन करते 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 ये श्याम रूप धारण किए। तब राधा रानी आकर के श्याम सुंदर को स्पर्श करती है, स्पर्श करने पर धीरे 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 राधा रानी अपना भाव को ले लिया, अपना अंग काती ले लिया। अभी फिर श्याम सुंदर श्री श्याम सुंदर रूप में आए। जब आए इतने में कृष्ण सोच रहे हैं, यद्यपि मैं रस स्वरूप हूँ, यद्यपि मैं आनंद स्वरूप हूँ, विश्व ब्रह्मांड मेरे से आनंद को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं सारा दुनिया, इसलिए कृष्ण को अखिल रसामृत मृत्यु बताया गया, वो स्वयं आनंद कंद कृष्ण है, इसलिए जिसको ब्रह्मा कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है। लेकिन कृष्ण देखा आज जब मैं राधा रानी की चिंतन करते 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 जब राधा जी के भाव में मैं डूब गया, मेरे को एक नया आनंद की प्राप्ति हुई, जो आनंद कभी मैंने जीवन में कभी आस्वादन नहीं किया। तब श्री श्याम सुंदर को पता चला जरूर ये राधा रानी के प्रेम में कोई चीज है। इसलिए यदि यही सही श्याम सुंदर राधा रानी की महिमा को यही पर समझे, पर समझ करके जब फिर वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं, फिर निकुंज में बैठ करके सोच रहे हैं, मेरे मन में जितना इच्छा सारी इच्छाओं को मैंने आस्वादन किया, लेकिन एक चीज तो फिर दिमाग से ऊपर चला गया, बोलो क्या है? बोले राधाया प्रणाम महिमा की त्रिशम, राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, हैं? क्या महिमा राधा जी की प्रेम के, मैं जो आनंद प्राप्त करता हूँ राधा जी को देख करके, राधा रानी मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद प्राप्त करती है, करोड़ों गुण राधा प्राप्त करती है,
कहते मेरी प्रेम प्रेम की एक सीमा होता है, लेकिन प्रेम बढ़ते बढ़ते राधा कृष्ण के अंदर में, राधा जी को देखकर कृष्ण का प्रेम बढ़ती, कृष्ण का प्रेम देखकर राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, लेकिन कृष्ण प्रेम एक जगह में जाकर के स्थगित हो जाती है, लेकिन उसको ऊपर में भी राधा रानी का प्रेम बढ़ती रहती है। मतलब विभुरा पी का लयन, वो विभु होते हुए भी ऊपर प्रेम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बोले जरूर ये राधा रानी के प्रेम में कोई एक चीज है, राधा जी के प्रेम में और मेरे अंदर में क्या माधुर्य है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है। कहते यहीं पर ही श्याम सुंदर ने श्री कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे, उनको राधा जी की महिमा यही पता चला, इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा भाव दूत शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, इसलिए कृष्ण महाप्रभु का रूप में आए। इसलिए यहाँ पर दिखाए जो हम लोग को रूपानुग है, हम लोग कौन है रूपानुग, बोले रूपानुग मतलब क्या होता है, बोले जो केवल राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी का दुख में जो दुखी, वो रूपानुग है। इसलिए कभी मंजरी सखियां ये नहीं चाहती हैं हमारी जो राधा रानी है ना, हाँ राधा रानी कृष्ण को चिंतन करे, लेकिन वो क्या चाहते कृष्ण राधा रानी का चिंतन करे। इसलिए ये जो स्थान है ये रूपानुगत्व की एक विशेष स्थान है। इसलिए श्री मन चैतन्य महाप्रभु फिर जब आए, फिर महाप्रभु रहते थे अक्रूर घाट में, महाप्रभु रोज अक्रूर घाट से यही आते थे और यही आकर के यहीं पर जुगल घाट में स्नान करते थे। स्नान करके महाप्रभु इसी वृक्ष को नीचे बैठते थे, बैठ करके महाप्रभु भी ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए महाप्रभु यही बैठ करके ये हरे कृष्ण महाप्रभु जप करते थे। कहते ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसके मुंह से निकली है, ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले किसकी मुंह से निकली, कहते राधा रानी का मुंह से ही, कृष्ण विरह में ही ये महामंत्र श्री किशोर जी की मुंह से ये महामंत्र निकलती है। और यहीं पर महाप्रभु भजन करते थे। अब जब श्री नित्यानंद प्रभु पहले आए थे महाप्रभु से पहले, जो वहां पर देखना है कि चबूतरा बनाया हुआ है, ये चबूतरा श्री नित्यानंद प्रभु अपना हाथों से बना करके गए थे, क्योंकि उनको पता है कलयुग में महाप्रभु आएंगे और जो महाप्रभु वृंदावन में आएंगे और यहीं पर बैठ करके भजन करेंगे, इसलिए उस चबूतरा को उन्होंने यहीं पर बनाए थे। और ये जो स्थान है, कहते हमारे श्री भक्ति भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, वहां पर एक छवि देखना, जब प्रभुपाद अपना परिकरों को साथ में आए, कि वहां पर चित्र दिया हुआ है, तो प्रभुपाद जब यहीं पर आए अपना परिकरों को साथ में, तो उन्होंने बोले थे उस समय यहाँ पर सुअर घूमते थे, यहाँ पर सेवा का कुछ नहीं, पहले हम लोग जो आए देखे छोटी सी घर कुछ नहीं, लेकिन जो महाप्रभु जो नित्यानंद प्रभु ये पहले से ही यहाँ पर थे, लेकिन इनकी सेवा पूजा ठीक से नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रभुपाद इंगित किया था अगर ये स्थान का संस्कार हो जाए तो अच्छा हो, इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ये प्रभुपाद की चरणाश्रित इन्होंने ये स्थान को पुनः उन्होंने उधार किया है। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज उन्होंने हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को जो आचार्य जो केसरी जो शब्द उनका आचार्य कहते नामय विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनी, इसको किसने दिया है, कहते भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, इनकी सिंह स्वरूप अगर कोई सहजिया मायावादी कोई उल्टा पुल्टा अपसंप्रदाय अगर कुछ भी कोई बोल दिया, प्रभुपाद के ऊपर में कोई अंगुल उठा दिया, वो नहीं छोड़ते थे, भक्ति प्रज्ञान के शेर जैसे टूट पड़ते थे। इसलिए ये महापुरुष ने उनको उसी हैं उनकी इनको उपाधि में उन्होंने विभूषित यही महापुरुष ने किया था। कहते गौड़ीय मठ का जो ऐश्वर्य प्रभुपाद इनको द्वारा स्थापन किया, जैसे प्रभुपाद एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने भक्तों के द्वारा एक एक सेवा करवाया, इन्होंने क्या किया, बोले गौड़ीय मठ का जो ऐश्वर्य पहले जब प्रभुपाद आए साधारण रूप में हमारे गुरुवर्ग बड़े बड़े पैसा वाले घर के आए थे, बड़े बड़े पैसा धन्ना सबके सब थे, लेकिन आकर के जो सजना साग है ना उसमें चावल मिला करके किसी तरह से खिचड़ी बना करके कभी फ्लोर को साफ करके वहां पर इसे खाया करते थे। अभी तो हम लोग आकर के बड़े राज ऐश्वर्य गुरुवर्ग ने बड़े बढ़िया सुंदर सुंदर मंदिर बना दिया, तीर्थ महाराज हमारे बनवार जब मंदिर में हम लोग पहले आए उनको मथुरा मठ का स्थिति पूछ लो,
ये नीचे से पानी बाल्टी में उठा करके ऊपर लाया करते थे, लकड़ी आता था सर पर ऊपर लाकर लकड़ी लाते थे, वहां पर ईंट अपना सर पर रख करके ईंट को उन्होंने पूरा मकान बनाया। यहाँ पर बनवार तीर्थ महाराज जी बहुत परिश्रम किया, लेकिन अभी हम लोग आ करके मंदिर के ठाड़ बाढ़ देख करके ना हम सब चीज को भूल गए। इसलिए पहले पहले महाप्रभु ने राजाओं को ला करके रूप गोस्वामी सनातन उनको पेड़ को रखे, लेकिन हमारे गुरु वर्ग इतने दयालु जानते ही भजन कर ही नहीं सकते, हमें पेड़ को नीचे से ला करके कहाँ पर खड़े कर दिया, राजमहल में खड़े कर दिया। इसलिए हम ये चीज के ना महत्व को नहीं समझ रहे हैं, महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये महापुरुष आ करके गौड़ीय मठ का इन्होंने ऐश्वर्य जी इन्होंने बढ़ाया। एक समय प्रभुपाद का आदेश से उन्होंने कभी भिक्षा भी गई, गए तो देखो बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें हजार हजार लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उसके पास 8-10 फोर। तब ये महापुरुष उनके पास में गए भिक्षा लेने के लिए, बोले कुछ बोले हम कुछ बात करना चाहते हैं, जानते साधु किस लिए आए भिक्षा लेने के लिए, 101 रुपया पकड़वा दिया उसमें बहुत कीमत है, बोले पैसा लेना नहीं चाहता हूँ केवल मेरे को 2-4 मिनट समय दो। बोले नहीं, बोले 200 रुपया ले लो, 500 रुपया ले लो, 1000 रुपया, बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए केवल 5 मिनट हमें दो। वो चाह रहे थे उनको कथा सुना करके उनको प्रभुपाद के पास में ले आए, बोले मेरे पास में कथा सुनने के लिए समय नहीं, पैसा लेना तो ले जाओ। बोले अगर मेरी कथा सुनने का समय नहीं तो आपका पैसा मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने पैसा को छोड़ करके चले गए। जब चले गए तब एक दिन फिर 2-4 साल के बाद में फिर वो भक्ति और सारंग गोस्वामी महाराज उधर से होते हुए जा रहे थे। उन्होंने सोचा 2-4 से पहले आया था देखा था वो बड़ा बिजनेसमैन, अभी एक बार जा करके देखूं। वहां पर देखा तो बिल्डिंग पूरा खाली, कुछ है ही नहीं, उसका लाल बत्ती चल गई, पूरा लाल बत्ती चल गई, सारे उसका बिजनेस विदेश तक भी था, लाल बत्ती चल गई, पूरा बिल्डिंग खाली खाली। बड़े आश्चर्य हुए, बोले पहले हजार हजार लोग जब नीचे उतर करके आए ना, तो उसको सामने फुटपाथ में एक व्यक्ति बैठी करके कुछ कपड़ा बेच रहा है, तो वो उनको पहचान गए वो व्यक्ति। बोले आप किसको ढूंढ रहे थे? बोले एक साल पहले यहाँ पर बड़ा बिजनेस मैन था, बड़े लोग काम कर रहे थे, मैं तो देखने के लिए आया कहाँ। बोले महाराज मैं वही हूँ। महाराज मैं वही हूँ। बोले क्या हो गया? बोले मेरी पूरा लाल बत्ती जल गई, आप आए थे मेरे को कुछ कथा सुनाने के लिए, कथा बोल रहे थे 5 मिनट दो, मेरे पास में समय नहीं था, अभी मेरे पास समय ही समय है। एक आसन दिया बैठने के लिए और उसको ऊपर बैठे, फिर उन्होंने हरि कथा सुनाई। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये श्लोक को उन्होंने सुनाया, व्याख्या किया, कितने दुर्लभ जीवन, कितने कष्ट से हमें गुरु वैष्णव प्राप्त, उनको सुना करके पूरा प्रभुपाद को पास मिला है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे हम अनुग्रह नाम हरि से तद धनो सने। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ ना, जे करे अमर आस तार करी सर्वनाश, तब वो यदि ना छाड़े अमर आस हामी करी तार दासर तास। अतः जे अमर आस करता उसका सर्वनाश कर देता हूँ उनके। और एक मिनट कथा सुना देता हूँ। एक समय प्रभुपाद जिसमें 5 लोग जैसे तीर्थ महाराज परिक्रमा करवा रहे, बंगाली भक्त को लाते, प्रभुपाद का समय भी परिक्रमा होता था। प्रभुपाद जी को प्रभुपाद का बड़ा विश्वास था, बोले जाओ 500 बंगाली भक्त लोग आएंगे बंगाल से ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, तो कुछ व्यवस्था करो। कोई पैसा नहीं दिए, कोई पैसा नहीं, केवल उनको भेज दिया, उनको विश्वास था। लेकिन वो बड़े हाई फाई, पहले वो हैं वो ट्रेड जो ये रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने थे उनको सारे टेक्निक पता है। और उन्होंने आए ब्रजमंडल में आकर के ना, उन्होंने कोट और बूट और सूट टाई फाई खरीद कर लिया। खरीदी करके उन्होंने जो इनकम टैक्स का उन्होंने ऑफिसर बन गए और उन्होंने रजिस्टर ले लिया। ले करके उन्होंने कहाँ गए, गए उन्होंने होली गेट में जा करके बोले काफी दिखाओ कितना तुम्हारी इनकम और इनकम को क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। पहले लोग इतना लिखे पढ़े नहीं होते थे, ये तो एकदम पगड़ी बांध करके जब जाते थे ना, कोई उन्होंने गाड़ी का कोई किराया ले जाते थे, गाड़ी किराया लेकर गाड़ी में ठाड़ बाड़ को साथ में जाते थे, क्योंकि अभी का युग ऐसे। तब उन्होंने बोले निकालो काफी निकालो, कितना तुम्हारी इनकम में इनकम टैक्स का, मैं ऑफिसर हूँ और सभी में तो कुछ गलती उस समय तो और ज्यादा ही था। उन्होंने बोले तुमको फाइन देना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, पूरा जितने दुकान में प्रचार हो गया, इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर आया, वो हिसाब किताब मांग रहे हैं, किसका हिसाब किताब है नहीं, सब कहां फूटे आकर के सारे लोग इकट्ठे होकर के चरण में गिर गए। जब गिर गए इनके चरण में, फिर उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, बोले देखो मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ।
मेरे गुरु जी ने यहाँ पर 5 लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए बंगाल से आ रहे हैं, इसलिए गुरु जी के आदेश पर मैंने यहाँ पर कुछ भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ हूँ बस। इसलिए जब उन्होंने ये बात को सुने ना, बोले महाराज जी के मथुरावासी ब्रजवासी है ही है, साधु संत की सेवा में इनकी रुचि है। उन्होंने एक दिन में, किसने कहा मैं एक बड़ी चावल दूंगा, किसने कहा एक बड़ी आटा दूंगा, किसने कहा एक थीड़ी घी दे दूंगा, उन्होंने 10 मिनट में ना एक महीना की उन्होंने सारी खर्चा की उन्होंने 10 मिनट में निकाल दिए, पूरा निकाल दिए। निकाल करके बाद एकदम चकाचक उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा हो गया। इसलिए ये महापुरुष प्रभुपाद एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने क्या क्या उन्होंने सेवा कराया। इसलिए यहाँ ये जो इमलित वृक्ष है इसको सीता कहते हैं, क्यों कभी पहले यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा पैसा वाला था, वो घर मकान बनाने के लिए अपना नौकर को उठा दिया, बोले ये टहनिया को काट दो, लेकिन जब इस वृक्ष में चोट लगाया उससे खून निकला। आप लोगों को यहाँ पर देखना खून निकला यहाँ से, बोले अरे देखो पेड़ से खून निकल रहा है, काटना बंद करो। बाद में जिस व्यक्ति ने मारा काटा ना, उसका वंश समेत नष्ट हो गया। जब ये वृक्ष अंतर ध्यान हुई, मैंने था देखा जैसे एक आदमी मरने के बाद जिस खून निकलता है, वहां पर एक जगह था जिसमें इस खून कितने महीना तक वो खून पड़ा हुआ, जैसे एकदम ढला जैसे खून निकलता है, ये वृक्ष से ऐसे निकला। क्योंकि जो वृक्ष कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे होई। इसलिए वृंदावन का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये ऋषि मुनि लोग वृक्ष रूप में भजन कर रहे हैं। इसलिए ये स्थल की अनंत महिमा है। हम लोग यहाँ पर परिक्रमा करने आए, यहाँ प्रार्थना करें, चरण धोली ले, वैष्णव से आशीर्वाद ले, जैसे हम भी ऐसे गुरु वैष्णव की सेवा करते करते हमारा जीवन ऐसे बीत जाए। वंशा कल कृपा सिंधु पतिता पावन।